हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज मैं सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तितली, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन डी है पित्ताशय की थैली। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। यकृत, शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण तथा ग्लूकोज। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। ऑप्शन सी है खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। और ऑप्शन डी है खनिज लवण, यूरिया तथा ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। सही उत्तर खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी कीटे होते हैं। तो सभी कीटे क्या होते हैं? सभी कीटे ऑप्शन है इसका अमीनोटिलिक होते हैं। अगला देखते हैं ऑप्शन एमिनोटिलिक होते हैं। अगला देखते हैं सी ऑप्शन है यूरियोटिलिक होते हैं और डी ऑप्शन है यूरिकोटिलिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, यूरिकोटिलिक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है लैक्रिमल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो कि लैक्रिमल ग्रंथि है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5वां, केचुआ के हृदय की संख्याएं हैं। तो केचुआ में हृदय की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है ए है, ऑप्शन ए 4 जोड़ा, ऑप्शन बी है 8 जोड़ा और ऑप्शन सी है 13 जोड़ा और ऑप्शन डी है 15 जोड़ा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 4 जोड़ा। केचुआ में हृदय की संख्या 4 जोड़ा होती है, मतलब कि 8 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यौगिक में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो किस यौगिक में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वसा में, अगला ऑप्शन है बी प्रोटीन में, अगला ऑप्शन है सी कार्बोहाइड्रेट में और ऑप्शन डी है न्यूक्लियक अम्ल में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन में। अगला देखिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, ए वाला जो ऑप्शन है थायराइड, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं। तो शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है ब्रिक, ऑप्शन सी है थायराइड और ऑप्शन डी है टॉन्सिल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, टॉन्सिल। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन जो है, वातोन्माद मतलब हिस्टीरिया सामान्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है हिस्टीरिया? तो ऑप्शन चलिए इसका देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। केवल ऑप्शन ए है केवल जवान स्त्रियों में, ऑप्शन बी है किशोर बालक और बालिकाओं में, ऑप्शन सी है जवान पुरुष तथा स्त्रियों में और ऑप्शन डी है केवल विवाहित स्त्रियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है जवान पुरुषों तथा स्त्रियों में हिस्टीरिया सामान्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में ये जानते ही होंगे कि किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, गन्ने में इच्छु शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, क्या कारण है कि गन्ने में इच्छु शर्करा की मात्रा घट जाती है? तो इसका कारण देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, जिस समय पौधा बढ़ रही हो उस समय अधिक वर्षा हो जाए। इसके बाद है बी ऑप्शन है पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान घटती हो या बढ़ती हो, और इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी पकने की अवधि में पाला अगर गिर जाए तो क्या हो, पाला गिर जाए। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं पकने की अवधि में तापमान अधिक हो जाए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, पाला पकने की अवधि में पाला गिर जाए। और आगे चलिए देखते हैं, एक चीज़ मैं ये बता रहा चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिएगा कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरस बीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन है द्विपादप में आते हैं, या त्रिपादप में आते हैं, या चतुष्पादप में आते हैं, या पंचपादप में आते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपादप में आते हैं ये गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरस बीन त्रिपादप में आते हैं। इसके बाद ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी इसका ऑप्शन है मक्खन में, यकृत में, अंडा में या इन सभी में। तो इसका सही उत्तर जो है वो इन सभी में हो जाएगा, मतलब मक्खन में भी पाया जाता है विटामिन डी, अंडा में भी और यकृत में भी पाया जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से है? तो इसमें देखते हैं कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है रेटिनॉल और ऑप्शन सी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। रेटिनॉल बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप से नहीं है, क्योंकि रेटिनॉल आप लोग जानते होंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसके बाद ये देखते हैं खिलाड़ियों के, अगला क्वेश्चन है खिलाड़ियों के तुरंत शक्तिदायक है, तो खिलाड़ियों को ऐसा क्या दिया जाता है जिससे उसमें तुरंत शक्ति आ जाए? तो उसके लिए ऑप्शन चलिए देखते हैं कि क्या दिया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तुरंत उसमें एनर्जी आने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल तथा गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो चावल तथा गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है अल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी है टायरोसिन और ऑप्शन डी है ग्लूटेलिन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ग्लूटेलिन। चावल तथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेलिन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीड़े मकोड़े के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, वो कीड़े मकोड़े में के ऊपरी भाग में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो उसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी है काइटिन और ऑप्शन नंबर सी है सेलुलोज और ऑप्शन नंबर डी है पेक्टिन। तो
तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, काइटीन, के कीड़े मकोड़े के ऊपरी भाग में काइटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जांच किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फेलिंग टेस्ट किया जाता है, बी बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, या दोनों किया जाता है, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो दोनों, ऑप्शन नंबर सी वाला ये सही हो जाएगा, इसमें फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों होता है। और वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इस बार पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जनरल साइंस में से बायोलॉजी ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद फिजिक्स से पूछे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए जनरल साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ क्लोरोफिल का आवश्यक भाग है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम है ए कैल्शियम, बी हो जाएगा फास्फोरस, सी हो जाएगा आयोडीन, और डी हो जाएगा मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर जो होगा, मैग्नीशियम पदार्थ जो है क्लोरोफिल का आवश्यक भाग है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यकृत का भार मनुष्य में लगभग कितना होता है, मतलब मनुष्य के अंदर जो यकृत होता है उसका भार कितना होता है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए है 1 kg, ऑप्शन बी है 1.5 kg, ऑप्शन सी है 2 kg, और ऑप्शन डी है 3 kg। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.5 kg। और आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जो, बड़ी आंत में जीवाणुओं के द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो बड़ी आंत में जीवाणुओं के द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी है, और ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी जो है सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सभी होगा, क्योंकि बड़ी आंत में विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी तीनों का संश्लेषण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है रंगीन पदार्थों की पहचान करते हैं, ऑप्शन बी देख लेते हैं पदार्थों की संरचना का निर्धारण करते हैं, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों का प्रभाजी आसवन करते हैं, ऑप्शन डी जो है मिश्रण से पदार्थ को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपका, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, और ये 23 क्वेश्चन है अंतिम ये, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? तो जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है फ्लेजिला, ऑप्शन बी है एट्रिक्स, ऑप्शन सी है वलास्ट, ऑप्शन डी है सिलेंडरी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेजिला, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना जो होती है उसे फ्लेजिला कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं? तो दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं, एंटीबिनम कहलाती हैं, या ऑप्शन बी है एंटीटॉक्सिन कहलाती है, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक कहलाती है, या ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक कहलाती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये जानते ही होंगे आप लोग, वैसे ऑप्शन चलिए देख लेते हैं, रिकेट्स होता है, ऑप्शन बी जो है बेरी हो बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, और ऑप्शन डी जो है स्कर्वी। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और ये आज का 25 क्वेश्चन जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस हैं वो पूरे हुए हैं, और इसमें से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो सारे वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी एग्जाम्स में आने की संभावना
बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा मेरे सारे भी क्वेश्चंस। और नए जो स्टूडेंट मेरा वीडियो जो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जहाँ तक हो सके कि शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी कीजिए। और अगर फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से फेसबुक का लिंक देख लें और यहाँ से आप फेसबुक पेज से जुड़ भी सकते हैं। और यूट्यूब का भी लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब पर आप मेरे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। वैसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।